अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम घोषित होने के बाद पूरी भाजपा मैदान में उतर चुकी है। जबकि उधर कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। वही भाजपा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के माननीय शर्मा जी, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विश्वास उस पर उन्होंने किया है और उस विश्वास पर खरा उतर कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संपूर्ण जो सपना है कि गरीबों की कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना और क्षेत्र का विकास, ये हमारी प्राथमिकता रही है और आगे भी ये प्राथमिकता रहेगी। और 2.5 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने ईमानदारी से जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर काम करने का पूरा प्रयास किया। उसी आधार पर पूरा नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है युवाओं को रोजगार, हमारे किसानों को समृद्ध बनाना। जिसकी सत्ता होती है वो पहले नाम डिक्लेयर करता है। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस पहले डिक्लेयर कर दी। अब नीचे भी स्टेट में भी और केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। ने की डिक्लेयर, अब वो डिक्लेयर होने के बाद कितने उम्मीदवार जिताती है ये उसका भाग्य है। लेकिन अभी जनता बहुत नाराज है बीजेपी से। अब रहा हमारे लोकसभा खंडवा का सवाल, तो हमारे यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अपने अपने नाम सबने दे रखे हैं और हमारे हाईकमांड लोग अरुण यादव को मनाने में लगे हैं कि अरुण यादव पहले भी यहाँ पे सांसद रह चुके थे। यदि अरुण यादव राजी हो जाते तो उससे बेस्ट कैंडिडेट कोई है नहीं। और नहीं अरुण यादव राजी होते हैं तो हमारे लोकल उम्मीदवार ही लोकल उम्मीदवार टक्कर दे सकता है, कोई दूसरा बाहर का उम्मीदवार टक्कर नहीं दे सकता है। लोकतंत्र को सही मायने में अर्थपूर्ण बनाने के लिए जन जन से उनके सुझाव मांगे और 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव इस पूरे कैंपेन में एकत्रित होंगे और लोकसभा के स्तर से लेकर प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी लोगों के बीच जाके सुझाव मांगेंगे और 90 90 90 20 24 इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। नमो ऐप पर सुझाव दिए जा सकते हैं। 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक प्रमुख स्थानों पर सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। जो लोग आईटी सेवी नहीं है वो अपने सुझाव लिखकर पेटी में डाल सकते हैं।